Good morning, students. Now we start exercise of second chapter, relative motion. See first question. To a man walking at 4 km/h, rain appears to fall vertically. If its actual velocity is 8 km/h, then find the actual direction. देखो सबसे पहले हमने इसमें हर क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करनी है. विदाउट फिगर कोई मार्क्स नहीं है इसमें. हम क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आप इसमें डायरेक्शन बना लीजिए, अगर वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दे रहे हैं. अदरवाइज आप ओरिजिन और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ठीक है, मैंने हर क्वेश्चन में डायरेक्शन से ही शो किया हुआ है. यहाँ ये आपका ओरिजिन, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, या फिर ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. जो मैन है वो वॉक कर रहा है 4 km/h, 4 km/h की स्पीड से आप इनिशियल डायरेक्शन एक्स एक्सिस बोल सकते हो. इस डायरेक्शन में मैन जो है वो आपका वॉक कर रहा है, मीन्स वो एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में किस स्पीड से, 4 km/h की स्पीड से. रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली. रेन अपीयर्स, उसको रेन अपीयर हो रही है कि वर्टिकली फॉल होती हुई उसको दिखाई दे रही है. ऐसा एक्चुअल में नहीं हो रहा है, उसको अपीयर्स हो रही है. मीन्स गिवन क्या है आपको, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन इज गिवन एंड दिस इज इन डायरेक्शन एन ओ, या मीन्स वाई ओ डायरेक्शन में, क्योंकि रेन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी. तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन, बिकॉज इट अपीयर्स टू द मैन, या आप उसको अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ रेन भी बोल सकते हो. इफ इट्स एक्चुअल वेलोसिटी इज 8 km/h, जो आपको एक्चुअल वेलोसिटी दे रखी है रेन की, वो 8 km/h दे रखी है और आपको उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है. अब देखो ये तो कन्फर्म है कि रेन आपकी मीन्स क्लाउड से ऊपर से आ रही है और नीचे डायरेक्शन में आएगी. अब वर्टिकली उसको अपीयर हो रही है, मीन्स वर्टिकली तो है नहीं, तो मीन्स स्लांट डायरेक्शन होगी ना, या तो वो डायरेक्शन जो है वो ऐसे होगी या फिर वो डायरेक्शन जो है वो ऐसे होगी, मीन्स ऊपर से, या तो डायरेक्शन ऊपर से यहाँ से इस साइड होगी, या फिर वो यहाँ से इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन में. रेन जो है आपको कर्सर मूव होता हुआ दिख रहा होगा, हमने जो डायरेक्शन कंसिडर की हुई है वो ये डायरेक्शन कंसिडर की हुई है. मैक्सिमम आपने ट्राई करना है कि कोशिश करनी है कि जो आप काम करो वो आपका फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में काम हो. फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब जो आपका एंगल बने वो आपका फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में बने. वो इसलिए क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है यहाँ हमारा एंगल जो है वो एक्यूट एंगल रहेगा. अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और क्लॉकवाइज में चले तो हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, तो आप डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन भी ले सकते थे. अगर मैं जिस डायरेक्शन में मेरा कर्सर मूव कर रहा है, अगर हम रेन की ये डायरेक्शन लेते तो जो मेरी डायरेक्शन आती वो एंगल जो बनता वो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में बनता यहाँ. तो हमें अवॉइड करना है थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बनने से. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस डायरेक्शन ऑफ द रेन, मींस एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रेन मैंने ये कंसिडर की हुई है. ठीक है, मीन्स हमने क्या ले लिया कि लेट एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस डायरेक्शन के साथ, वो कितना एंगल बना रही है थीटा. तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एक्चुअल में थीटा है कितना. ठीक है, तो लेट ओ एक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मैन, एंड मैन मूव्स विद द स्पीड 4 km/h. एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ रेन, लेट मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, और किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रेन हमें फाइंड आउट करनी है. फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है हर क्वेश्चन में, आपने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी जिसकी भी निकालनी है जिसके रिस्पेक्ट में. यहाँ हमें लिख रहे हैं रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, बिकॉज मैन को रेन ऐसी आती हुई अपीयर हो रही है. तो रिलेटिव वेलोसिटी तो किसकी है, रेन की, किसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में. फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन. अब जो ये फॉर्मूला है उसको आपने डिकम्पोज करना है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में, मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस. तो हम जो ये बात कर रहे हैं फिलहाल अलोंग एक्स एक्सिस बात कर रहे हैं. एक्स एक्सिस के अलोंग हमें देखनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. अब जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये जो हमने एज्यूम किया, हमने क्या एज्यूम किया कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी तो ये हमें वर्टिकल दे रखी है. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन हमें वर्टिकल डायरेक्शन में गिवन है, और हम जो निकाल रहे हैं वो किस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, अलोंग ओ एक्स. तो ओ एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया. तो ये क्या आ गया हमारा, दिस इज जीरो. नाउ इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन की एक्चुअल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में. अब रेन की जो एक्चुअल वेलोसिटी है उस डायरेक्शन हमने ये दे रखी है, लेकिन हमने तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में देखनी है. तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना हो गया, 8 km/h की स्पीड से ये हो रही है, तो कितना हो गया, 8 cos theta माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन. मैन की एक्चुअल वेलोसिटी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ही है, इस स्पीड से मूव कर रहा है वो 4 km/h की स्पीड से मूव कर रहा है.
तो क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू 8 cos theta माइनस 4, तो यहां से 8 cos theta इज इक्वल टू 4, इस cos theta इज इक्वल टू 1/2, इस theta कितना आ गया आपका 60 डिग्री, यानी कि मतलब जो एक्चुअल वेलोसिटी है रेन की, इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री ऑफ x एक्सिस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, अ ट्रेन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इज स्ट्रक बाय अ स्टोन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन है वो आपकी मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर, मीन्स हमने एक्स एक्सिस डायरेक्शन ले ली ट्रेन की, और जो स्टोन है, दिस ट्रेन इज स्ट्रक बाय अ स्टोन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और जो आपका स्टोन है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये ट्रेन की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो स्टोन इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन मीन्स इस डायरेक्शन से भी आ सकता था, और वो डायरेक्शन यहाँ से भी आ सकता था, या वो यहाँ से भी आ सकता था, मीन्स कोई भी डायरेक्शन कहीं भी से भी आ सकता था, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमने प्रेफर काम करना जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना प्रेफर करना है। तो अब ट्रेन को स्ट्रक वो स्टोन जो है वो इस डायरेक्शन ऐसे कर रहा है, मीन्स यहाँ से इस डायरेक्शन में, समझ में आ गई बात। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्टोन, मीन्स एक्चुअल डायरेक्शन, और किस उसकी वेलोसिटी क्या दे रखी है हमें 30 किलोमीटर पर आवर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। ओ सॉरी, यहाँ तो आपको मेंशन करके ही दे रखा है कि जो स्टोन है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ 60 डिग्री का एंगल मारा है, मैंने ये लाइन नहीं पढ़ी थी तो मुझे लगा फिर तुम कोई भी डायरेक्शन ले सकती हैं, या इसने मेंशन कर ही दिया कि जो एंगल है वो कितना होना चाहिए 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। फाइंड द वेलोसिटी विद विच स्टोन अपीयर्स टू द पैसेंजर इन द ट्रेन स्ट्राइक द ट्रेन। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द स्टोन अपीयर्स टू अ पैसेंजर, मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है स्टोन की, किसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन या विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर्स सिटिंग इन ट्रेन एक ही बात है। हम पहले इस एक्स एक्सिस के अलोंग निकालेंगे फिर वाई एक्सिस के अलोंग। फॉर्मूला मैं आपको बार बार कह रही हूँ, सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है हर क्वेश्चन में, रिलेटिव वेलोसिटी जिसकी भी और जिसके रिस्पेक्ट में भी आपको निकालनी है। यहाँ हमें निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। नाउ दिस इज इक्वल टू फॉर्मूला एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, और ये फॉर्मूला आपने लगाना है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी स्टोन की हमें निकालनी है, तो हमने एज्यूम कर ली वी जो है वी किलोमीटर पर आर की स्पीड से स्टोन जो आपका मूव कर रहा है, मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी हमने वी एज्यूम कर ली, तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कितनी हो गई है वी कोस थीटा, एंड लेट हमें उस डायरेक्शन में फाइंड आउट करनी है, तो लेट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज वी किलोमीटर पर आवर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस, सो वी कोस थीटा इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, स्टोन की एक्चुअल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 cos 60 माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन आपकी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो 60 यहाँ से आपने सोल्व करना है, तो यहाँ से आपके पास cos theta, v cos theta की वैल्यू आ गई आपके पास -45। अब हम बात करते हैं along OY, फॉर्मूला फिर वही है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। डिफरेंस क्या है, अब आपने किस डायरेक्शन में लगाना है, OY डायरेक्शन में। अब y डायरेक्शन, OY डायरेक्शन में जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है स्टोन की वो क्या हो गई, v sin theta इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन, स्टोन की एक्चुअल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, ये या तो आप 30 cos 30 लिख लो, या फिर आप क्या लिख सकते हो 30 sin 60 लिख सकते हो, और एक्चुअल वेलोसिटी ट्रेन की क्योंकि वो तो x डायरेक्शन में ही मूव कर रहा था, तो y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से v sin theta निकल गया, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग से v निकल जाएगा, और डिवाइड करने से आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। इसका मतलब जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है स्टोन की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, टू अ मैन गोइंग ऑन अ बाइसिकल एट 10 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, हम डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट डायरेक्शन में आप पर्सन जो है वो बाइसिकल पे मूव कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, द विंड सीम्स टू ब्लो, विंड उसको सीम्स मीन्स अपेरेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, उसको ऐसा दिखाई दे रहा है फ्रॉम अ डायरेक्शन 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट एट 6 किलोमीटर पर आवर, मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड आपको दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन क्या दे रखी है, फ्रॉम अ डायरेक्शन 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मीन्स साउथ से वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट मीन्स ये साउथ और ये आपका वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट और एंगल 60 डिग्री, तो वो जो एंगल 60 डिग्री बनेगा वो वेस्ट की तरफ बनेगा, जो बाद में होगा, साउथ ऑफ वेस्ट है मीन साउथ से वेस्ट की तरफ जो एंगल बन रहा है वो आपका ये
60 डिग्री है, साउथ वेस्ट से आ रहा है और 60 डिग्री एंगल बनेगा वेस्ट में. से आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दे रखी होती मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो वो डायरेक्शन होती नॉर्थ ईस्ट और जो एंगल बनता वो ईस्ट की डायरेक्शन, ईस्ट से बनता. ठीक है, जैसे ये साउथ वेस्ट और जो एंगल बन रहा है वो वेस्ट से बन रहा है आपका एंगल 60 डिग्री. तो मीन्स जो नीचे से एरो दिख रहा है मीन्स ऐसे आपको नीचे से आती हुई विंड आ रही है और ये जा रही डायरेक्शन इसकी. दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ विंड, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया. नाउ फाइंड द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड, विंड की एक्चुअल डायरेक्शन और वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है. जो फाइंड आउट करना है उसको आप एज्यूम कर लो, लेट एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ विंड इज 3 किलोमीटर पर आवर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस. काम आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने ऊपर किया है, एक्स एक्सिस के अलोंग रिजोल्व करना है, फिर वाई एक्सिस के अलोंग स्क्वेयरिंग एंड एडिंग से आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और डिवाइड करने से आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है रोड एंड रेलवे लाइन क्रॉस अ ट्राइट एंगल्स. ये मैंने क्वेश्चन शो नहीं किया हुआ है, इसमें नहीं करके दिखाया हुआ है, ये आप लोग खुद ट्राई करोगे. मैं आपको इसका हिंट दे देती हूँ. रोड एंड रेलवे लाइन क्रॉस अ ट्राइट एंगल, कि जो रोड और रेलवे लाइन है वो 90 डिग्री के एंगल पे है. कहने का मतलब एक को आपने एक्स एक्सिस के अलोंग लेना और दूसरे को वाई एक्सिस के अलोंग. से आपने रोड ले ली एक्स एक्सिस के अलोंग और रेलवे लाइन ले ली अलोंग वाई एक्सिस. इट्स अप टू यू, आप किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी ले सकते हो. इफ एट अ सर्टेन इंस्टेंट अ कार इज अप्रोचिंग द क्रॉसिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर. अब जो कार है वो तो आपकी रोड पे चल रही है तो कार की डायरेक्शन हो गई अलोंग ओ एक्स 30 किलोमीटर पर आवर, और जो ट्रेन है ट्रेन हो गई आपकी ओ वाई डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. रिलेटिव टू कार, आपको रिलेटिव वेलोसिटी ट्रेन की विद रिस्पेक्ट टू कार आपको फाइंड आउट करनी है. तो काम वैसे ही करना है, एक बार एक्स एक्सिस कह लो और एक बार वाई एक्सिस कह लो. जो आपको फाइंड आउट करना है वो हम आपको एज्यूम करना है कि लेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार इज वी किलोमीटर पर आवर मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस. ठीक है, ऐसे करके आपने काम करना है. नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, टू अ पर्सन ट्रेवलिंग टू ईस्ट, पर्सन आपका ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, द विंड और इसने वेलोसिटी नहीं दे रखी है तो हमने एज्यूम कर लिया लेट पर्सन मूविंग विद द वेलोसिटी यू किलोमीटर पर आवर. द विंड अपीयर्स टू कम, विंड उसको आती हुई दिखाई दे रही है, मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड की बात कर रहा है ये. कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है. तो एरो आपने देखो इस तरफ लगाया, नॉर्थ ईस्ट मीन्स ये डायरेक्शन है. यहाँ कोई एंगल मैंशन नहीं किया हुआ, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब जो वो डायरेक्शन है विंड की वो नॉर्थ और ईस्ट दोनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मीन्स एंगल जो है दोनों के साथ वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है. ठीक है, ये डायरेक्शन आपने ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन लेनी है, अपवर्ड डायरेक्शन नहीं लेनी है. अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब जो आपकी विंड है अदरवाइज वो साउथ वेस्ट से आ रही है, शो उसका मीनिंग. यहाँ हम डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट से आ रही है आपकी रिलेटिव विंड जो है आपकी, मीन्स उसको अपियर हो रही है ऐसे. ठीक है, बट वेन ही डबल्स हिज स्पीड, लेकिन जब वो अपनी स्पीड को डबल कर देता है, मीन्स अगर वो 2u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता है, देन इट अपियर्स टू कम फ्रॉम अ डायरेक्शन दिस. ये सेकंड फिगर में हमने शो किया हुआ है. फाइंड क्या करना है आपको, विंड की एक्चुअल डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट करनी है. मीन्स हमारे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि पर्सन आपका हमारा मूव कर रहा है विद यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में, और उसको विंड आती हुई अपीयर हो रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, मीन्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री बोथ विद बोथ डायरेक्शन, मीन्स नॉर्थ के साथ भी और ईस्ट के साथ भी. ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, हमें एक्चुअल डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है विंड की. तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ विंड तो हमें एज्यूम करनी पड़ेगी, लेट एक्चुअल डायरेक्शन, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो भी नहीं दे रखा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमने क्या एज्यूम करी, लेट वी वन इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द विंड, मीन्स वी वन किलोमीटर पर आवर इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द विंड. अब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड हमें फाइंड आउट करनी है तो वो भी हमें यहाँ मैंशन एज्यूम करनी है. तो जो एक्चुअल वेलोसिटी है विंड की, अब वो आप हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब विंड आपको ऐसे लग रहा है आती हुई, अब उसको इतना फर्क इतना ही होगा ना कि वो मतलब यहाँ से आ रही है, यहाँ की बजाय वो या तो ऐसे आ रही होगी या फिर वो ऐसे आ रही होगी, है ना. ऐसे बोलो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करोगे, मीन्स उसको थोड़ा सा डायरेक्शन का एंगल में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, उसको अपीयर तो हो रहा है कि वो यहाँ से आ रही है ऊपर से, लेकिन वो आ नीचे से रही होगी. कहने का मतलब लग तो मेरा है कि वो आगे से आ रही है लेकिन आ पीछे से रही होगी, इतना तो बंदा एज्यूम गलत नहीं कर सकता, मीन्स एजम्पशन इतनी, एंगल का ही डिफरेंस हो सकता है. तो मीन्स अब वो नॉर्थ ईस्ट की बजाय मीन्स हम मान लेते हैं वो इस साइड से आ रही है, मीन्स नॉर्थ वेस्ट से कहीं से आ रही है थोड़ा सा. तो क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमने जो काम करना है वो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्राई करना है. हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो काम नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करने का मतलब है जो आपकी विंड आ रही है वो नीचे से आ रही है, मींस इस डायरेक्शन में आ रही है. तो हम एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी विंड है वो हमारी नॉर्थ वेस्ट से आ रही है, मीन्स यहाँ कहीं से आ रही है.
तो और लेट ये दिस ये वी जो हमने शो किया हुआ दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द विंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ईस्ट डायरेक्शन एंड वी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रही है. तो हमें क्या निकालना है इसमें थीटा हमें इसमें फाइंड आउट करके दिखाना है. क्लियर हो गया क्वेश्चन. चलो काम आपने फिर वही करना है. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ विंड आपने निकालना है. एक बार एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक बार वाई एक्सिस के लॉन्ग. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन दिस इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ विंड विंड की जो रिलेटिव वेलोसिटी है देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड. अब जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड की वो हमारी ये है. अब काम जब हमने यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में करना है तो डायरेक्शन भी तो हमें यही देखनी पड़ेगी ना. देखो ये एक्स एक्सिस या ईस्ट ये डायरेक्शन ये हमारी एक्चुअल की डायरेक्शन और रिलेटिव हम ऊपर तो नहीं पहुंचेंगे तो रिलेटिव की डायरेक्शन हमारी ये मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ ये आती हुई वी वन दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी. अब इसका कंपोनेंट वी वन का कंपोनेंट हमने किसके अलोंग देखना है ईस्ट के अलोंग. तो ये कितना एंगल बनेगा ये एंगल ये पूरा एंगल ठीक है. ये एंगल कितना ये एंगल तो कितना था हमारा 45 डिग्री का था ये एंगल और ये ईस्ट और साउथ ये सारी डायरेक्शन 90 डिग्री के एंगल पे. तो 90 प्लस 45 कितना हो गया 135. तो ये कितना हो गया वी वन कोस 135 इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड. जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड है इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द ईस्ट डायरेक्शन. तो ये क्या हो गया वी कोस थीटा माइनस यू क्योंकि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है यू. तो यहाँ से आपने वैल्यू पुट करनी है कोस 35 की तो वी कोस थीटा आपके पास आ गया ठीक है. ऐसे अलोंग वाई एक्सिस आपने देखना है. अब अलोंग वाई एक्सिस में या तो आप साइन 135 यूज कर सकते हो या वाई एक्सिस भी अब आपका डाउनवर्ड वाला रहेगा ये रहेगा या फिर आप डायरेक्ट वी वन कोस 45 भी लिख सकते हो या तो वी वन साइन 135 या फिर वी वन कोस 45 भी लिखा जा सकता है ठीक है. इज इक्वल टू दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड दिस इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड. एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड मेक्स एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा मीन या तो कोस 90 माइनस थीटा यूज करो या फिर आप साइन थीटा यूज कर सकते हो और जो मैन की है वो तो वाई डायरेक्शन में जीरो होगी. तो यहां से भी साइन थीटा हमने निकाल दिया. नाउ एडिंग ऐड करने पे हमें क्या मिला वी कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू यू क्योंकि ये वी वन बाई रूट टू जो है वो कैंसिल आउट हो चुका है. ये वी वन हमने कैंसिल क्यों किया क्योंकि जो वी वन हमारी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड जो हमने ये एस्यूम की हुई है ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड थी क्योंकि सेकेंड टाइम पे ये वेलोसिटी जो है वो हमारी ये जो हम यहाँ बात करेंगे वो चेंज हो जाती है इसलिए वी वन का कोई रोल नहीं है इसलिए वी वन को हमने यहाँ से हटा दिया है. अब सेकेंड टाइम देखो अब क्या हो रहा है हमारे पास अब क्या है क्या कह रहा है वो अगर वो मैन अपनी जो स्पीड है उसको डबल कर देता है मीन्स टू यू स्पीड से अगर वो मूव कर रहा है टू यू स्पीड से अगर वो मूव कर रहा है तब वो क्या कह रहा है उस केस में देन विंड अपियर्स टू कम फ्रॉम अ डायरेक्शन टेन इनवर्स टू बाई थ्री ईस्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट. तो वो नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में आ रही है और इतने एंगल से. नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब जो एंगल बनेगा वो ईस्ट की साइड बनेगा और कितना एंगल टेन इनवर्स टू बाई थ्री जिसको हमने यहाँ अल्फा से डिनोट किया है ये एंगल. दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ विंड लेट इट मूव्स विद वेलोसिटी वी टू किलोमीटर पर आर की स्पीड से. दिस एंगल इज अल्फा ये वर्टिकली अपोजिट तो ये एंगल भी हमारा कितना हो गया अल्फा. तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ विंड तो जो एक्चुअल है वो तो सेम ही रहेगी आपकी एक्चुअल तो एक्चुअली है. तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड इज वी किलोमीटर पर आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ईस्ट डायरेक्शन ठीक है. अब काम आपने वही करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करना है. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन. अलोंग एक्स एक्सिस बात करनी है और फिर हमने अलोंग वाई एक्सिस बात करनी है ठीक है. तो फिगर टू से यहाँ हमने लिखा था ना अल्फा मान लिया टेन इनवर्स टू बाई थ्री टेन अल्फा कितना हो गया आपका टू बाई थ्री. लॉन्ग एक्स एक्सिस जब हम बात करेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है वी टू मेकिंग एन एंगल कितना एंगल बन रहा है आपका ये टोटल एंगल 180 ये एंगल अल्फा तो ये कितना बनेगा एंगल 180 माइनस अल्फा. तो वी टू कोस 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू वी कोस थीटा माइनस टू यू. v cos theta minus 2 is equal to v2 cos 180 minus alpha. ऐसे ही हमने y direction में उसको resolve किया. उसके बाद हमने इसको just solve किया. solve तो आप लोग कर ही सकते हो. फिर हमने यहाँ से क्या निकाल लिया theta निकाल लिया. okay students.